हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई युवम गया हुआ है पार्क में और मैं अभी बस जा ही रही हूँ। अभी थोड़ा लेट हो गई उसको लेने मतलब उसके पास जाने के लिए, क्योंकि ऑफिस से थोड़ा सा लेट आए, फिर चाय वगैरह पी तो थोड़ा लेट ही हो गया आज। तो अभी जस्ट मैं बस जाऊँगी उसको लेने के लिए, क्योंकि अंधेरा बस होने ही वाला है थोड़ी देर में। तो थोड़ी बहुत देर मैं अभी बैठ जाऊँगी नीचे और फिर उसको लेके आऊँगी। तो एक बार मैं चलो चलती हूँ, क्योंकि फिर बात करने लग गई ना फिर मैं लेट हो जाऊंगी। क्या था? मछली। टॉय 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 टॉय। अपने मच्छर को मार। टॉय टॉय। हाँ टॉय टॉय। क्या कर दिया? कितने काट दिया? काट दिया सुई से किसी ने? ओहो, दिखाऊं? नहीं, इस साइड नहीं जाना। चलो अभी पानी में। पानी में अभी नहीं दिखेगा, अभी नाइट होगी ना। चल तू, सुई से मर गई है। सुई से मर गई। ओहो, क्या मतलब ना से तो पानी चमकता है। हाँ। अभी अभी क्या कह रहे थे? किससे पानी चमकता है? किससे चमकता है? अभी क्या कह रहे थे? लोशनी। लोशनी नहीं होती, रोशनी होती है। रोशनी से तो पानी चमकता है। हाँ। तो ना शायद वो ना इसीलिए पानी बहुत काला दिख रहा था ना। तो ना इसीलिए ना कछुआ भी काला था, फिर इसे दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ इस साइड मत आया करो, देखो कितनी सारी घास है यहाँ पे, ठीक है ना? अनाओं के साथ आए थे? नहीं, अनाओं के साथ नहीं, इंजल के साथ। अच्छा चलो, अभी तो चली गई। तो चलो अभी पार्क चलो, एक बार देखा नहीं गई इंजल। चलो तो अभी पार्क में खेलने। हाँ चले। चले बेटा घर, चलो आ जाओ। ये देखो, अभी जो इंडक्शन खराब हो गया था उसे ठीक करने के लिए अंकल आए हैं। क्या बना रहे हो? ये बोल है? बोल। ओहो, फिर ये डिजाइन क्यों डाल रहे हो? है बेटा, ये एग है। एग? ये ना यहाँ से थोड़ा सा डिजाइन तो होता है ना बोल में। एग में तो नहीं होता डिजाइन, मतलब में बोल है। अच्छा, बोल में डिजाइन होता है ना। हाँ, वो आप इतनी देर से लगे हो, आपने यही बनाया है अब तक? नहीं, तो बहुत कुछ बनाया है। कहाँ है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। हा? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। मैं इसके लिए ना अंदर के लिए ना बहुत कुछ बनाया है। तो मैं इसका कर रहा था। किसका? कुछ बना रहा था। फिर वो कहाँ गए? हुँ? वो कहाँ गए? तोड़ दिए इसके बनाए हुए। अच्छा, और ये मैं और कलर ले रहा हूँ। एरोप्लेन ठीक हो गई आपकी? हाँ, हो गई अंकल, बस बैटरी चार्ज हो रही है। अच्छा, और ये देखो ये रहा इसका कवर। सारे से जितने कलर्स है ना इसमें, ऐसे देख सारे कलर देख के मैं सारा बंद करता हूँ। देखो, शाबाश, अच्छा बेटा है वैसे तो तू, है ना? थोड़ा थोड़ा निकल जाता है। निकल जाता है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अब मैं दूसरे कलर से कुछ बनाती। आज किस चीज का एग्जाम था बेटा आपका? किस चीज का? और किस चीज का था? और किस चीज का था? मैथ का। मैथ का नहीं, जीके का। जीके का। क्या पूछा था मैम ने, बताना जरा? वो तो नहीं पता, भूल गया। भूल गए? अच्छा, ये मैम ने पूछा था ना आपकी फैमिली में कौन कौन है, तब आपने क्या बताया था? मैंने बताया था मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरे पापा, मैं और मेरे टुक टुक है। फिर मैम क्या बोली? नहीं, वो तो नहीं बोली। वो भूल गए? कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला।
कुछ तो बोला था शाबाश कुछ समझ में नहीं आया तो शाबाश वाह नौटंकी तो क्या बोला था आप बताओ टुक टुक को नहीं ये बोला था मैंने बोला था कि ना उसके बाद मैंने बोला था टुक टुक हमारी पेट है ओके पेट फिश ये क्या कर रहा ऐसे खोल रहा था ऐसे करके ओके फिर अब इसका क्या करोगे इसका करोगे क्या अब दिखाता हूँ आप दिखाओ जल्दी दिखाओ फिर मैं खाना भी तो बनाऊंगी ना खाने में क्या बनाऊं राइस और चावल एक राइस और चावल एक ही चीज होती है राइस और कढ़ी मैं सारा दिन है कि डेली डेली ये खाना बनाऊं क्या कढ़ी राइस क्या हुआ आज भी यही बनाया था और तो आज फिर बना दो यही हम आज फिर यही बना दो तो भाई अभी आ गई हूँ किचन में युवम जो है ना वो खेल रहा है इंडक्शन मेरा हो गया है ठीक कुछ नीचे पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बोल रहा था कि वायर में प्रॉब्लम हो गई तो भैया ठीक करके चले गए तो अभी आज ना डिनर में मैं सिर्फ चटनी रोटी बना रही हूँ भाई हम तो हरियाणा वाले ऐसे ही खा लेते हैं दूध रोटी दूध चटनी रोटी दही रोटी चाय रोटी जो मिला हो खा लेते हैं तो आज मैं बना रही हूँ टमाटर धनिया और लहसुन और एक हरी मिर्च नमक और दही आप इस तरीके से चटनी ये युवम जो है ना मस्ती कर रहा है भाई तो आप इस तरीके से एक बार चटनी बना के देखना बहुत ज्यादा टेस्टी चटनी बनती है ये तो बस ये हो गया अभी मैं पीस लूंगी और बनाऊंगी रोटी दूध मैंने जमाने वाला गर्म कर दिया था हाँ आई बेटा अब ये जैसे ही थोड़ा ठंडा हो जाता है फिर वैसे ही मैं पीने वाला करूंगी और आप साथ साथ सुन ही रहे हो भाई साहब भी ये भी इसका भी मतलब साथ में चलता ही रहता है तो अभी मैं फटाफट से चटनी पीस लेती हूँ रोटी बना लेती हूँ ठीक है अच्छा किसने दी थी ये किसने दी थी हाँ बुआजी ने गिफ्ट बर्थडे गिफ्ट दिया था भाई इसको इसकी बुआजी ने ये लेकिन ये खराब हो रखी थी घर से आए ना तब लेके आए तो खराब हो गई आज वो भैया इंडक्शन ठीक करने आए थे ना तो उन वो ठीक करके गए इसके बैटरी को देख ग्लाइडर पे जाएगी नीचे हाँ बचा ली तो रिमोट से ही कर लो ना हैंड से क्यों कर रहे हो हम भी नहीं कर सकते आपको चलाना नहीं आ रहा इसका मतलब तो क्या बोल रहे हो इसका मतलब तो आपको चलाना नहीं आ रहा अच्छे से मम्मा के ना टक्कर लगाओ चल बेटा आ जाओ खाना खाएंगे बाद में खेल लेना चलती तो है ही एक बार धमाल कर देती है धमाल करती है क्या करती है इसके अंदर से चल जाती है ऐसे साइकिल के नीचे से आ गई हाँ ठीक है चलो भी अंदर आ जाओ ये ना स्पीड बटन है इसे दबा के इसी में आ जाती है दिखाऊं आप मेरे साथ चलो या आ गई अब वो गई नीचे लेडर में नहीं गई बच गई धम चलो आ जाओ चलो अभी चलो आ जाओ बेटा तो फ्रेंड्स अभी खाना वाना हमने खा लिया है और ये देखो क्या है ये कड़ली तो ये काम युवम करेगा ये मैं करूंगी यहाँ पे मेथी ना जड़ से उखाड़ के लेते हैं देख रहे हो ऐसे तो इनको साफ करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और वो ऐसे बंधी होती है ना तो गल भी जाती है अंदर से ना तो इसलिए इसको साफ करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो अभी बस वही खाना वाना खा लिया था नीचे हम गए नहीं क्योंकि पता नहीं यार क्यों नहीं गए ऐसे ही नहीं गए हम लोग कभी जाते हैं कभी नहीं जाते अभी तो मॉर्निंग में थोड़ा एक्स्ट्रा घूम लेते हैं इसलिए नहीं जाते मेन कारण ये होता है ये देखो मेरी सुपर फास्ट पता मैं कैसे कर पाता हूँ ऐसे दिखाऊं एक रीजन है देखो यहाँ से पकड़ो ऐसे यहाँ नाखून लगाओ नाखून क्या होता है मैं नेल लगाओ यहाँ पर बस ऐसे खींच दो
नेट को, फिर क्या होगा, सारे बच्चे टूट जाएंगे अपने आप। वाह इतना अच्छा रीजन। आपको नींद नहीं आ रही? नहीं आ तो रही है, तो पर मैं मामा की हेल्प करूंगा। मैं पकड़ोगे इसको? क्या पकड़ना, यहाँ पकड़ोगे, रख दो नीचे अपनी प्लेट, इतनी बड़ी प्लेट रखी आपके पास। तो फ्रेंड्स खाना मैंने खा लिया है जैसा मैंने आपको पहले बता ही दिया था, और मेथी भी मेरी पूरी साफ हो गई तो मैंने रख दिया, सारा काम खत्म हो गया। और आज की ये जो वीडियो है ना, इसमें मैंने कर रखी है एक गलती, मतलब हो गई मेरे से, करी नहीं, और उसको आज जो हमारे कैमरामैन थे मेरे पतिदेव वो भी नहीं पकड़ पाए। आप देखती हूँ कि आप लोग पकड़ोगे या नहीं पकड़ोगे, ठीक है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कितना ध्यान से देखते हो वीडियो, कि आपको पता चलता है या नहीं चलता है। तो अभी बारी आती है लास्ट स्टेप की, इस दिन के पूरे जो रूटीन होते हैं उसके लास्ट टाइम की, जो कि है फेस वॉश। तो मेकअप जो है आपको पता ही है मैं नहीं करती, कभी कभार करती हूँ। तो ये देखो ये लिया है मैंने बेसन, क्योंकि मैं प्रीफर करती हूँ कि दिन में एक बार ही हम जो मार्केट वाला फेस वॉश है वो यूज़ करें, सेकेंड टाइम हम अपना ये ले लेते हैं, वो आप चाहे सुबह करो चाहे शाम को। तो ये लिया है बेसन, आप इसमें अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बेसन ले रही हूँ और ले रही हूँ रोज वाटर। अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है तो आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं, नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मेरी मानो तो दिन में एटलीस्ट एक बार जो है ना अपने घर की चीजों से फेस वॉश करो। और आप क्या करो ना, इसको एक मिनट रुको मैं इसके ऊपर मिक्स कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। तो भाई ये देखो ये जो पेस्ट है वो मैंने बना लिया है फेस वॉश, अभी हम इसको वो मतलब अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो एक बात और बताऊं कि आप जैसे ज़्यादा रिजल्ट चाहते हो तो आप फेस वॉश करो, और वॉश करके तब इसको लगाओ ना, दो मिनट के लिए छोड़ दो, मतलब डेली के लिए मैं बता रही हूँ कि सिर्फ दो मिनट छोड़ दो और उसके बाद अपना फेस जो है ना वो नॉर्मल वाटर से वॉश करो, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलता है। और अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्ट जैसे फेस वॉश से करते हो वैसे भी करो, बट एक टाइम इस तरीके से अपने घर की चीजों से फेस वॉश जरूर करो। तो मैं एक बार अपना फेस जो है इससे वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी। वॉश कर लिया है, अभी मैंने अपने फेस पे लगा लिया है। मैंने एक पहले नाइट क्रीम की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी थी, विटामिन ई और एलोवेरा जेल को मिक्स करके, तो वही मैं अपना बना करके ना रख लेती हूँ। तो डेली नाइट में फेस वॉश करके फिर मैं वही अप्लाई करती हूँ। तो वो जो है अप्लाई कर लिया है, अपने लिप्स पे थोड़ा सा घी लगा लिया है मॉइस्चराइजर के लिए। तो अभी जो है काम खत्म हो गया, अब जा रही हूँ मैं सोने। तो दिन खत्म हो गया, तो भाई वीडियो को भी मैं अभी खत्म कर रही हूँ, तो कर रही हूँ यहीं पे एंड। मिलूंगी मैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।